हे गाइस, व्हाट इज अप, स्वागत है आपका मेरे चैनल कूल टेक एवरीथिंग में। तो यार आज हम बात करने वाले हैं सीजन 7 एपिसोड 1 के ब्रेकडाउन के बारे में, ठीक है। तो यार जिन लोगों ने अभी तक वो नहीं देखा है जाके पहले देख लो, ठीक है, क्योंकि इस वीडियोस में भयंकर स्पॉयलर्स होंगे एपिसोड 1 से रिलेटेड। तो यार बाद में बोलना कि मैंने स्पॉयलर वार्निंग नहीं दी थी, तो यार इसलिए ये एक फेयर स्पॉयलर वार्निंग है। अभी भी वीडियो छोड़ के जा सकते हो, लेकिन ऑफकोर्स एपिसोड 1 देखने के बाद वापस आ जाना। तो यार एपिसोड 1 बहुत बहुत ही ज़्यादा कूल था, और फ्लैश वहीं से स्टार्ट हुआ जहाँ पर हमने छोड़ा था। और जो रन ट्रेलर था वो एक्चुअली एपिसोड 1 का था सिर्फ, हमें लग रहा था शायद 2 और 3 का भी है, लेकिन वो सिर्फ एपिसोड 1 से रिलेटेड था। तो यार स्टार्टिंग में हमें दिखता है कि चेस्टर पी रंक ने एक कंटेनमेंट जोन बनाया है बेरी के लिए, जहाँ पर बेरी बेफालतू की हरकतें करके अपनी बची कुची स्पीड वेस्ट ना करें, ठीक है। और हमें दिखता है कि बेरी के पास सिर्फ 1% स्पीड बचती है, और वो उस स्पीड को इवा मगोलिक को स्टॉप करने के लिए यूज़ करता है। और यार ये सूट भाई इतना कूल सूट, मतलब अभी तक का सबसे बेस्ट और सबसे कूलेस्ट सूट ऑफ ऑल द सीजन्स रहा है ये फ्लैश का, ठीक है। हमें लग रहा था कि कोई चेंज नहीं है फ्लैश के सूट में, लेकिन ये सबसे बड़ा और सबसे अमेजिंग चेंज है जो CW वालों ने डाला है। तो यार उसके बाद हमें दिखता है चेस्टर पी रंक फिर से, और फ्लैश उसे पूछता है कि क्या ये एवा है, और चेस्टर पी रंक कहता है हाँ, वो फिर से केओस मचा रही है सिटी के अंदर। और यहाँ पर हमें एक मेन चीज़ भी पता लगती है कि इवा मकॉलिक भी लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकती है, तो फ्लैश उसे लगभग बीट नहीं कर सकता है लगभग, क्योंकि जो इवा के पार्टिकल्स हैं वो भी लाइट की स्पीड से मूव करते हैं और फ्लैश भी लाइट की स्पीड से मूव करता है, तो ऑफकोर्स उन दोनों के बीच में एक टाइप रहेगा, ठीक है। और उसके बाद हमें देखते हैं रोजिलेंड एंड सैम, ठीक है, जो मिरर मास्टर और टॉप के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। और हमें आगे पता लगता है कि एवा ने मिरर मास्टर को एक कॉपी बनाया था, ठीक है। और इन सब चीज़ों के पीछे जो दिमाग होता है वो टॉप का होता है, लेकिन टॉप ऐसा प्रिटेंड करती है कि सब कुछ सैम करता है और टॉप सिर्फ उसकी बातें मानती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके बाद हमें दिखती है आयरिस, ठीक है, और आयरिस के दिमाग के साथ छेड़खानी कर रही है एवा, ठीक है। ये एपिसोड के काफ़ी लास्ट में पता चलता है, शायद एंड क्रेडिट से लगभग पहले पता चलता है हमें कि ये सारा कुछ जो हमने ट्रेलर में देखा है कि आई एम अ ब्रोकन पार्ट ऑफ योर माइंड, तो ये सारी इमेजेस एवा दिखा रही है आयरिस को, ताकि वो ये उम्मीद छोड़ दे कि वो मिरर वर्ल्ड से बाहर भी निकल सकती है, ठीक है। और आयरिस अभी भी कोशिश कर रही है, और आयरिस को फ्लैशेस आ रहे हैं उसके पास्ट के, ठीक है। और उसके बाद हमें दिखती है सिसील, और हमें दिखता है कि फ्लैश ने टॉप को कस्टडी में ले लिया है, ठीक है। और टॉप की मदद करने के लिए सिसील आती है वहाँ पर, और सिसील सोचती है कि अगर टॉप उसे सारा मैटर बता दे तो फिर वो उसकी मदद कर सकती है, शायद बेल करवाने में या फिर उसका पिछला रिकॉर्ड क्लियर करवाने में, मैं नहीं जानता, ठीक है। और फिर हमें न्यूज़पेपर के पीछे एक झलक दिखती है सू डियरबॉर्न की, और उसका एक आर्टिकल छपा हुआ है, ठीक है। तो हमें आगे पता है कि सीजन 7 के अंदर सू डियरबॉर्न अपीयर करेगी, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उसका रोल क्या होगा, या फिर वो अब कैसे CW वालों ने या फिर शो राइटर्स ने उसका रोल संभाला है, ठीक है। और उसके बाद हमें दिखती है ASF का मतलब आर्टिफिशियल स्पीड फोर्स, और दिखता है हैरिसन वेल्स, नैश वेल्स और काउंसिल ऑफ वेल्स, इन द सेंस सारे वेल्स अभी तक जितने भी शो पे अपीयर हुए हैं, HR वेल्स से लेके शेरलॉक वेल्स तक जितने भी वेल्स अभी तक अपीयर हुए हैं वो सारे हमें दिखते हैं, ठीक है। और हमें दिखता है कि वो डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे वो आर्टिफिशियल स्पीड फोर्स को चार्ज कर सकते हैं, तो हैरी वेल्स बोलता है कि अगर हमारे सारे मल्टीवर्स पार्टिकल्स मिलकर अगर उस थिंग को चार्ज कर सकते हैं तो आर्टिफिशियल स्पीड फोर्स वर्क कर सकती है और बेरी को उसकी स्पीड वापस मिल सकती है, लेकिन उसकी एक कंडीशन है कि उसके लिए नैश को मरना पड़ेगा, बिल्कुल उसको अपना सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन नैश बोलता है कि मैं अभी मरने के लिए रेडी नहीं हूँ, ठीक है, और वो सोचता है कि एलेग्रा अगर उसके अंदर से मल्टीवर्स पार्टिकल्स को न्यूट्रॉन पल्स के अंदर डाल दे तो वो आर्टिफिशियल स्पीड फोर्स को चार्ज कर सकते हैं, लेकिन वो सारा कुछ गलत चला जाता है, और उसकी एनर्जी जब रिवर्ट बैक कर रही होती है तब वो बेरी एलेग्रा को हटाकर वो सारी एनर्जी अपने अंदर ले लेता है,
और जो सारे वेल्स की ब्रेन वेव्स है वो बेरी के ब्रेन वेव्स के साथ मिक्स हो जाती हैं, ठीक है, और बेरी वियर्ड एक्ट करने लगता है। तो ये काफ़ी फनी एक्ट था, ठीक है, शो के बीच में, ताकि शो की टोन थोड़ी लाइट रख दी जाए, क्योंकि जो शो का एंड है वो उतना अच्छा नहीं है, ठीक है, जो हैरिसन वेल्स या फिर कोई भी वेल्स से काफ़ी लगाव रखते हैं जो शो में, उनके लिए काफ़ी बैड न्यूज़ है लास्ट में, ठीक है। तो इसके बाद टीम को पता लगता है कि अगर वो ब्रेन वेव्स बेरी के अंदर से बाहर नहीं निकाली गई तो बेरी मर जाएगा, ठीक है। चेस्टर पीरंग गिडियन से पूछता है कि बेरी को क्या ज़िंदा रख रहा है, तो गिडियन बोलती है कि बेरी को सिर्फ उसकी स्पीड हीलिंग ज़िंदा रख रही है, और वो भी काफ़ी जल्दी जल्दी ड्रेन हो रही है उसकी स्पीड, तो जैसे ही उसकी स्पीड ख़त्म होगी और अगर वो ब्रेन वेव्स उसी के अंदर रह गई तो वो इंस्टेंटली मर जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हैरिसन वेल्स नैश को समझाता है कि हम में से जो जो भी यहाँ पे आया था, हम सब एक डूशबैग थे, मतलब हम सब ने ऐसी हरकतें करी थी जो टीम फ्लैश के लिए ठीक नहीं थी, टीम फ्लैश के अगेंस्ट थी, लेकिन टीम फ्लैश ने हमें एक बेटर पर्सन बनाया, ठीक है। और वो अपने बारे में बताता है कि वो खुद जूम की टीम में था, और बाद में कैसे टीम फ्लैश ने उसको उसकी डॉटर जेसी को बचाने में मदद करी, और बाकी सब मतलब फ्लैशबैक बताता है वो अपना और बाकी वेल्स का, ठीक है। उसके बाद हमें दिखती है आयरिस, ठीक है, और आयरिस के अलग अलग वर्जन्स, तो हमें लग रहा था कि शायद आयरिस मिरर वर्ल्ड के अंदर कुछ कंट्रोल कर सकती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, घंटा उसके अंदर कोई पावर्स नहीं है, ठीक है। और ये सब एवा कर रही होती है ताकि आयरिस कोशिश छोड़ दे मिरर वर्ल्ड से बाहर निकलने की, ठीक है। और ऑफकोर्स एवा ने उसको एक कंडीशन भी दी है कि अगर वो उसका कहा मान लेती है तो वो उसको मिरर वर्ल्ड से बाहर पुल कर लेगी, लेकिन वो कंडीशन हमें अभी नहीं पता क्या है, ठीक है। और हमें उसके बाद दिखती है टॉप की नई पावर्स, ठीक है, जो कि अभी तक हमें नहीं दिखी थी। टॉप अब ब्रेन को भी कंट्रोल कर सकती है, मतलब ब्रेन के अंदर विजन दिखा सकती है, जैसे अगर आप एक कॉन्फिडेंट पर्सन है तो टॉप आपके ब्रेन को ऐसा बना सकती है कि आपको ऐसा लगे कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो और आप बहुत ही नल्ले हो, ठीक है, ऐसा टॉप कर सकती है, ठीक है। और फिर बाद में पता लगता है कि सिसिल उसी की पावर्स को उसी के अगेंस्ट यूज़ कर देती है, ठीक है। और उसके बाद जो सबसे मेन चीज़ है वो ये है कि एवा मैकॉलिक फिर से एक ऐसी हरकत करती है जो टीम फ्लैश के लिए ठीक नहीं निकलती है। वो जितना भी टेक होता है मैकॉलिक इंडस्ट्री का, उसके ऊपर एक डेटोनेटर लगा देती है और वो प्लेन उड़वा देती है, ठीक है। तो उसके बाद हमें दिखता है कि चेस्टर पीरंग ने कंटेनमेंट जोन फिर से बनाया है जो सारी ब्रेन वेव्स को अपने अंदर कैप्चर कर लेगा, और नैश इस बार ही अपने आप को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो जाता है और वो न्यूट्रॉन पल्स को चार्ज कर रहा होता है, ठीक है। तो सारे वेल्स एक के बाद एक अपना गुड बाय बोलते हैं बेरी को, ठीक है, और वो बोलते हैं कि कैसे वो एक इनकम्प्लीट पर्सन थे और बेरी ने उन लोगों की मदद करी और बेरी ने उन्हें एक बेटर पर्सन बनाया, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं कि नैश डिग्रेड हो जाता है और बेरी अपनी स्पीड वापस गेन कर लेता है। तो यार ये बेसिकली सबसे इमोशनल और सबसे बढ़िया सीन एक साथ डाला है CW वालों ने, मतलब ना रोने का टाइम दिया ना हंसने का टाइम, ये कैसा अन्याय है हमारे साथ। अच्छा, तो उसके बाद हमें दिखता है कि नैश कम्प्लीटली डिग्रेड हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो लोग सोच रहे हैं कि आगे टॉम कैवाना नैश का रोल नहीं करेंगे, ठीक है, तो ऐसा नहीं है यार, season 7 के अंदर वो रिटर्न कर रहे हैं, ये पक्का कन्फर्म्ड है। season 8 का भी कन्फर्म नहीं है, लेकिन season 7 का पक्का कन्फर्म्ड है कि वो season 7 के अंदर उनका काफ़ी बड़ा रोल है उनके कैरेक्टर से रिलेटेड, और ऑफकोर्स मल्टीवर्स और एक्सपेंड होगा और उन्हें पता लगेगा कि एक आखिरी नैश नहीं था जो वेल्स बचा था, और भी काफ़ी वेल्स हैं जो मल्टीवर्स से यहाँ पर आए थे, या फिर जो भी है, जो भी शो राइटर्स ने लिखा है, मैं शो राइटर नहीं हूँ तो ऑफकोर्स मुझे इतना नहीं पता, लेकिन जो भी थ्योरीज थी मैंने सारी बता दी हैं, ठीक है। उसके बाद हमें दिखता है लास्ट में कि आयरिस एक मैसेज भेजती है टीम फ्लैश को, ठीक है, और ऑफकोर्स वो मिरर वर्ल्ड है इसलिए सब कुछ रिवर्टेड बैक और टिल्टेड है, ठीक है, मतलब जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, मिरर इमेज ऑफकोर्स उल्टी आती है, तो उस हिसाब से। और उसके बाद हमें एंड क्रेडिट सीन में दिखता है कि एवा मैकॉलिक के लिए उसका हस्बैंड एक क्लिप छोड़ के गया था, उसके लिए लिखा हुआ था फॉर एवा, आई डोंट नो उसके लिए बेसिकली थी या नहीं थी, लेकिन ऑफकोर्स लिखा हुआ था, ठीक है। तो हमें उस रात की फुटेज दिखती है उसके अंदर जिस रात एवा को उसकी पावर्स मिली थी, तो असली एवा मर चुकी है,
ये उसका एक मिरर वर्जन है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एवा जैसे ही मिरर से टकराती है तो जो रियल एवा होती है वो मर जाती है और उसकी एक इमेज मिरर वर्ल्ड के अंदर फंस जाती है। ठीक है, तो एवा के लिए ये बहुत ही शॉकिंग था ये जानना कि वो एक मिरर इमेज है, ठीक है, असली एवा की। और ऑफकोर्स उसके बाद जब फ्लैश की स्पीड वापस आ जाती है तो वो बॉम्ब को उड़ा देता है और सिटी को फिर से बचा लेता है। तो यार सीज़न 7 का एपिसोड 1 लिटरली काफ़ी बढ़िया था। एक्चुअली ये सीज़न 6 का एपिसोड 20 था, ठीक है, जो कोविड की वजह से जल्दी प्रोडक्शन स्टॉप हो गई थी। ठीक है, तो ये वही एपिसोड है जैसा कि 20वें एपिसोड में मैंने कहा था कि बेरिकोस की स्पीड मिलने वाली थी, लेकिन ऑफकोर्स प्रोडक्शन रुकने की वजह से वो एपिसोड सीज़न 7 के अंदर ऐड हो गया। तो यही था सीज़न 7 एपिसोड 1 का ब्रेकडाउन। ठीक है, अब मैं ऐसे सारे एपिसोड के ब्रेकडाउन करूँगा। और यार अगर वीडियो एक दो दिन लेट हो जाए तो प्लीज़ यार थोड़ा सा वेट कर लेना, क्योंकि मेरे भी एग्ज़ाम्स वगैरह आ रहे हैं, तो हो सकता है मैं वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट हो जाऊँ। ठीक है, तो प्लीज़ यार माइंड मत करना। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाके अभी के अभी वो लाल बटन को ग्रे कर दो। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। ठीक है, और कमेंट में बता देना अगर तुम्हें और किसी चीज़ के बारे में वीडियो चाहिए, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा उसके बारे में वीडियो बनाने की। ठीक है, और एक चीज़ और, मैंने सोचा था कि मैं गिडियन पे एक वीडियो बनाऊँगा, लेकिन यार गिडियन पे वीडियो मैं इसलिए नहीं बना पा रहा क्योंकि गिडियन के लिए मेरे पास एप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो जैसे ही मेरे पास पूरी इन्फॉर्मेशन आएगी गिडियन के बारे में, मैं पक्का उस पर भी एक वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, तो तब तक प्लीज़ थोड़ा सा वेट कर लो यार। ठीक है, और मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ कूल टेक एवरीथिंग एंड पीस आउट।